I welcome you all in the next video tutorial of HP Board of Departmental Examination Paper 1 Financial Administration. So dear all, in this video we are going to cover some important question regarding GPF rules. So before starting, this is for educational purposes only. There is no commercialization involved, and please refer to standard rule and regulation in case of any division. GPF rules, you have to remember only these two pages. Aapko index yaad karna hai, index prepare kare. सबसे पहले जीपीएफ रूल्स का, दैट इज जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स 1960, और जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कम्युनिकेट करूंगा. जिस तरह से आप देख रहे हैं, रूल नंबर सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज विड्रॉल फ्रॉम द फंड. किस तरह से हम किस अवस्था में क्या क्या कारण है जो हमें अलाउ किए गए हैं जब हम जीपीएफ से अपने पैसा निकाल सकते हैं. रॉन्गफुल यूज ऑफ एडवांस और रिकवरी पर भी क्वेश्चन, या एडवांसेस से भी क्वेश्चन कभी आ सकता है. तो आप याद रखें 12, 13 और 14, ये सी और 15, ये तीन चार रूल है. 16 रूल इंपॉर्टेंट है, कंडीशन ऑफ विड्रॉल, ये 12 टू 16 इंपॉर्टेंट रूल है. उसके बाद कन्वर्जन ऑफ एडवांस इनटू विड्रॉल, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट रूल. नंबर 20, रिडक्शन ऑफ सब्सक्रिप्शन सर्टेन केसेस, ये आप देखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. Then there is a important rule regarding the wrongful assignment of policies, rule number 27. Rule number 29, wrongful use of money withheld or withdrawn. और एक क्वेश्चन जो दो से तीन बार आ चुका है, दैट इज एक स्कीम पेपर में आती है जिसका नाम है डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम. तो 33A और 33B इससे रिलेटेड है, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो आप जीपीएफ रूल्स में सबसे पहले याद रखें, आपको इस तरह से एक इंडेक्स प्रिपेयर करना है, अपने आप कर सकते हैं. जीपीएफ रूल्स 1960 आपको इजीली इंटरनेट पे भी मिल जाएगा. इंडेक्स प्रिपेयर करें और उसके माध्यम से आप जो जो मेन कंटेंट है रूल्स में वो पढ़े, तब आपको ये बेहतर समझ आएगा. सो आई होप दिस विल गिव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स 1960. तो थैंक यू फॉर वैल्युएबल टाइम.